इंदौर के विजयनगर पुलिस ने नाबालिग युवती का अपहरण कर अपने साथ बहला फुसलाकर शादी करने को लेकर गए आरोपी युवक को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर इंदौर लाई। युवती की मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने नाबालिग युवती के होने के चलते अपहरण का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार कर इंदौर लाई है और आरोपी के चंगुल से युवती को मुक्त करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। तो 20-21 तारीख को एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसकी नाबालिग युवती जो उसके साथ काम करने के लिए आई थी अचानक कहीं चली गई है, जिसकी रिपोर्ट पर अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच की गई, जांच पर पता चला कि एक युवक उसको अपहरण कर ले गया है। तो उसकी जानकारी गुजरात में होने की जानकारी में पर पुलिस मोरबी से जाकर उसको अरेस्ट किया, उसकी लड़की की दस्तियाब की और उसके कोर्ट में बयान के बाद उसको उसके माता पिता के सपोर्ट किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी मूलतः दूसरे जिले का है, गुना जिले का रहने वाला है, पर अभी फिलहाल में वो इंदौर में ही हीरानगर क्षेत्र में रहता है। और आरोपी रवि पिता बाबूलाल लोधी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।